अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैंने जाना है अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और मेरे दिमाग में वैसे ख्याल आ रहा है कि आज मैं कोई इनके साथ प्रैंक श्रैंक करूँ। सो लेट्स सी। और मिलते हैं गालिब रेस्टोरेंट में। सो गाइस, प्लान हमारा चेंज हो चुका है एंड नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गालिब हमने चैटरबॉक्स जाने का प्लान बनाया है। सो लेट्स सी। और माशाल्लाह से आप पीछे मेरे घड़ी देख सकते हैं कि ये दोनों तकरीबन एक घंटा माशाल्लाह से लेट हैं। सो गाइस, इनकी गाड़ी एक मिनट के अंदर पहुंचने वाली है, बल्कि आई थिंक पहुंच गई है। और जब ये मुझे कॉल करेंगे तो मैंने इनकी पहले कॉल नहीं उठानी, उसके बाद फिर मैंने इनको बोलना है कि यार मैं तो, और फिर हम चेक करेंगे कि इनका क्या रिएक्शन होता है। सो मुझे फ्लैशलाइट बंद करनी पड़ी है बिकॉज़ अगर मैं फ्लैशलाइट जलाऊंगी तो उनको नज़र आ जाऊंगी। आई एम सिटिंग इनसाइड द कार एंड वेटिंग फॉर देम एंड देखते हैं ये कब पहुंचते हैं। ये बस पहुंचने वाले हैं एक मिनट के अंदर। आई थिंक जो मैकडोनल्ड वाली रोड है ना उस पर हैं, तो लेट्स सी। और मैं इन लोगों से मिल रही हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर, लास्ट हम कब मिले थे, लास्ट हम अच्छा जिनका मैं इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ वो मेरे यूनिवर्सिटी के दो जिगर्स हैं जिनसे 2011 में मेरी मुलाकात हुई। और 2011 से अब तक वाओ, लाइक इट्स बिन 13 ईयर सिंस वी नो ईच अदर। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जर्नी। और जो आपके लॉयल और आपके अच्छे दोस्त होते हैं वो लाइक मैं अभी सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 13 साल हो गए थे, 13 ईयर्स आई नो देम। वो ये होते हैं कि एट टाइम्स आपका कनेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है एट टाइम्स आप। तो 2014 में सबसे पहले मेरी शादी हुई, फिर इसके बाद जब अरफा, आई थिंक इट वाज अबाउट टू, अरफा जब पैदा हो चुकी थी या होने वाली थी 2018 में, फ़ाइज़ा की हुई, और इसी तरीके से थोड़ा सा पहले मरियम की। तो हस्बैंड ने आगे सारा प्लान खराब कर दिया। ढूंढने इसकी लाइट्स कैसे बनाऊंगी, तो गाड़ी की लाइट्स बंद ही नहीं हो रही। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, एंड दे आर अबाउट टू रीच। सो गाइस फाइनली मैं कामयाब हो गई हूँ इसकी लाइट्स ऑफ करने में, और आप देखते हैं ये दोनों किसी भी टाइम पहुंचेंगे और फिर मुझे कॉल करेंगे एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। गाड़ी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। आई थिंक राइट नाउ दे आर एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स क्रॉस करके अब ये लोग मेन रोड पे हैं एंड देन दे आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स द स्वीट। तो वेटिंग फॉर देम, वेटिंग फॉर देम, वेटिंग फॉर देम। भाई मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई। ये मेरे बच्चे वॉलपेपर जो है वो कभी आहिल अपनी पिक्चर डालते हैं तो कभी अरफा इनकी ये टॉम एंड जेरी शो चलता रहता है। सो गाइस ये बस गली में टर्न हो रहे हैं और ये बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि जो गाड़ी के शीशे हैं वो हैं काले, तो आई थिंक कि दे वोंट बी एबल टू सी मी। और अब देखते हैं इनकी कॉल कब आती है और कैसे आती है। मैं सोचूं मैं सीट लटा के छुप जाऊँ बिकॉज मैं 6 बजे से तैयार होकर बैठी हूँ एंड इट्स बिन 7:30 नाउ। सो थोड़ी मस्ती इनके साथ भी करने की बनती है। आई थिंक ये लोग आ गए और अभी कॉल आने वाली है। कहाँ हो? गाड़ी नहीं दिख रही इनकी। कॉल आए, कॉल आए, कॉल आए। सो गाइस गाड़ी की कुछ मुझे लाइट दिख रही है यहाँ से। सो आई थिंक ये आ गए। अभी उतरेंगे और ये मुझे कॉल करेंगे। मेरी गाड़ी के शीशे काले हैं तो इनको मैं तो नहीं दिखूंगी, बट लेट सी। मैं वेट करी इनकी कॉल करी, मुझे कॉल करेंगे। करो भाई कॉल करो, जल्दी करो। वैसे एक बात बताऊं, ये यूनिवर्सिटी से ये दोनों जो है ना ठंड प्रोग्राम है, जो बड़े बच्चे जो हैं, जो बच्चे बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, ये उनमें से दो हैं, सुस्त तरीन।
ये मेरे हस्बैंड मेरा पूरा प्लान तबाह करने में लगे हुए, वो जाके गाड़ी के पास खड़े हो रहे हैं और उनको अभी बता देंगे कि जी वो सामने गाड़ी में बैठी हुई है। अब ये दोनों उतर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक मोबाइल निकाल रहे हैं। ये निकली मरियम और ये है फायजा, बट ये अंदर चली गई कॉल करने के बजाय अंदर, मतलब अब ये गाड़ी की तरफ आ रही हैं दोनों। A few moments later. गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे चैटर बॉक्स और ये पहली मेंबर आ रहे हैं दूसरी जो पीछे छुपी हुई है और बाकी वीडियो हम अंदर जाके बनाएंगे। इस वक्त हम ऑर्डर कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो गया ऑर्डर करना। जिनने इतनी अच्छी शक्ल बनाई थी उसके बाद ही बोली कि तुमने मेरी कैसी कैसी शक्लें डाली। एक ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा मैंने ना स्टेक क्यों नहीं खा रही अच्छा होता है, लास्ट टाइम खाया था मैंने, अच्छा होता है। ये रहना और स्पाइसी नूडल्स में क्या ऑप्शन है? चिकन में खाना चाह रही है या स्पाइसी चिकन नूडल्स है कनौर में ओरिएंटल सॉस में होंगे। फायदा ये अच्छा था, ओरिएंटल सॉस में होंगे सर। हां ये अच्छा था, लास्ट टाइम मंगाया था लाइट क्रीमी चिली सॉस है ना। तुम्हें क्या वो टोमेटो ये वाला भी अच्छा था, ये खा लो, ये कर ले, ये पेनी पास्ता, पेनी पास्ता स्पाइसी टोमेटो जी, ये तो मैंने मंगाया था लास्ट। ये ना मैंने इतनी की वीडियो देखी अच्छी लग रही है लेकिन ये अच्छा था। हां ये अच्छा होगा, ये बहुत ट्रेंडी है। पेनी पास्ता स्पाइसी टोमेटो बस ये हो गया। ये कांटेक्ट होता है जी जी समझ गई मैं, हमारी तरफ से होता नहीं है जी। आप अच्छा दो पेप्सी कर लो। नहीं एक आप सर आप वो नहीं बोला वो कोई नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया आपका, ऑर्डर रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली ये YouTube के लिए इन्होंने फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम सर्विंग। सो गाइस अभी स्टार्टर सर्व हो चुके हैं और ये बता रही है हमें खा के कैसे कैसे क्रंची। वैसे बच्चों के बगैर एक अपने ही मजा है। नहीं पहले आप वो मैं आपको बताती हूँ प्राइवेट। भाई इंस्टा पे आके अपनी वीडियो तो कराई ना पहले। गाइस खाने आ चुके हैं और हम मूगो की तरह खाना खा रहे हैं। सो पास्ता के रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, वेयर एज पार्मेसान चिकन के रिव्यूज़ अच्छे हैं। भाई देखो आपकी कोई चैनल क्यों देख।
करके अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन विद फैज़ा रैपिड फायर. अच्छा तो आप बताएं कि 13 इयर्स बैक हम कब मिले थे? 2011 में. 14 फरवरी 2011. एनी मेमोरी जो आप रिकॉल करना चाहें, जो आपको याद हो, कोई हरकत हमने की हो, ज़्यादा प्राइवेट मत बता दीजिए. कुछ भी बता दो तुम्हें. चार साल में बताती हूँ, मैं क्लास में आई. हाँ सब तुम सब आगे बैठे बैठे फालतू लग रहे थे. बिल्कुल मतलब यार क्या भरे हैं ना सब आगे बैठे हैं. फिर मैं आई लेट लेट नहीं मतलब मैं बहुत पहले लेट मैं आई. पीछे मैंने देखा एक मासूम सी बच्ची बैठी थी, बिल्कुल मासूम लग रही थी यार. अब मुझे ज़्यादा मुझे ऐसे भी रश पसंद नहीं था. मैं इसके पास बैठ गया. अच्छा मैं एक सीट छोड़ के बीच में जगह थी. तुम्हें बात की मैंने बात की थी. मैंने शेक की होगी ये तो हमें नजर. अच्छा मुझे ना मैं कहा मैंने इसको कब देखा था. सच बोल रहा, सारे सच बोल रहा हूँ. कोई मुझे बहुत अच्छे से याद है हमारी कैसे हुई थी वो मैं खुद बताऊंगी. मैं बताती हूँ. बोल लिया आपने बस यही. अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको. वही मेमोरी आप ही बताइए. नहीं नहीं आपकी तो बहुत है. मैंने ज्वाइन किया तो मेरा जो ग्रुप था ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट था. उस ग्रुप में थी सबा सानिया जोहर. ये तुम अपने लिए रिकॉर्ड करवा रही हो, डालोगी तो नहीं ना कहीं? मैं डालूंगी, मैं सच बोल रही हूं. बकवास नहीं है ना, मैं बता रही हूं. कहीं रहनी चाहिए आगे कंटिन्यू. तुमने बोले ही नहीं ना असल तो. मैं बता रही हूं मेरा ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट था. प्यारा था. अच्छा 11 थे आई थिंक. अब मुझे याद है हम लोग 11 थे. उसके बाद फिर ये हुआ हम मैं तुम दोनों से कैसे मिली कि एक प्रोजेक्ट है जो नादिया नाम था. नादिया और रहमान. हाँ नादिया और रहमान रहे थे. उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट के लिए खुद से शफल किया था. और जो फायदा का इम्प्रेशन था ना वो मेरे नजदीक वो जो बहुत क्या बोलते हैं जो एक फायदा की फ्रेंड थी उनका नाम था डॉट डॉट डॉट. कौन थी? सॉरी मैं नाम डॉट डॉट. अच्छा उनके साथ जो इनका इम्प्रेशन था वो बहुत ही आलस. तो पहले हमने इनकी बड़ी बैक बाइटिंग करी. किसके साथ की? सबा. हाँ सबा ही हो गया वो तो फुल ना वो हम सबके साथ के. लेकिन फिर हमारी आपस में भी आई थी ना. हाँ वो थोड़ी सी थी कि उसको ये होता था कि मेरी सुने मुझसे डिस्कस करे सब कुछ. आई डोंट नो कि कोई था. आई थिंक जौहर था या उसको. जौहर से बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम. और जौहर मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी वो इसलिए उसको अपने सामने बोलने वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते थे. जौहर आउट स्पोकन था. अच्छा जौहर के साथ इशू तो नहीं था. जौहर और जौहर के अबू और मेरे अबू वैसे भी मतलब के दोस्त नोन थे, फ्रेंड्स थे. तो उसको मैं वैसे भी जानती थी. तो उसके साथ जब हमने एक प्रोजेक्ट किया, मुझे याद है पहली प्रेजेंटेशन की थी या कुछ किया था, तो उधर से लड़ाई शुरू हुई बेसिकली. सब अल्लाह ने हमें बचा रहा है. ये सब बोलो वहां जब वो ग्रुप टूटा और कुछ इश्यूज क्रिएट हुए. फिर उन्होंने हमारे ग्रुप री ग्रुप किए. तो उसमें दो जो है मेरे सर पे आ गए. पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं. हम बात करते हैं जहर लोगों के बारे में. लेकिन मुझे याद है इस बार रोता था मेरे सामने कि उसे एक्सेप्ट कर लूँ. अबे यार बच्चे यार ऐसे कैसे यार मतलब फजूल. ये मुझे कन्विंस करती थी यार उसके लिए. नहीं वो पता ही क्या हो गया था. वो मजनू बन गया था. हाँ वो रोता था बैठ. अच्छा उसने पता सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी. और इतनी सिगरेट मुझे आदिल समझा रहा है बैठ के. फिर मुझे जोहर समझा रहा है बैठ के. बोला यार क्या हो गया, नहीं करना तो नहीं करना. अच्छा तुम्हें वो याद है वो जो हम वो ग्लासेस लगा लगा के देखते रहते थे क्लास से बाहर. उसने लगा लिया था. फिर दिमाग ठिकाने आए वो 3-4 सेमेस्टर के बाद. भाई किसी के प्रश्न में आगे कुछ नहीं. कैसे उसको इग्नोर करके जाते थे कि हमें देखना नहीं. इतना था तो मुझे रेस्क्यू किया यार सब ने. मैं कुछ भी हो जोहर कुछ भी किया जोहर ने. लेकिन मैं आज भी जोहर की चीज़ का एक्नॉलेज करती हूँ. जितना मुझे रेस्क्यू किया है हर वक्त. तुम्हें वो टीचर बुला रही है चलो निकलो आ जाओ यूनिवर्सिटी से बाहर. याद सीन ये हुआ था. इनकी मेमोरी थोड़ी सी ना स्लो है क्योंकि हम इनको रिकॉल कराते हैं. सीन ये हुआ था कि शादी की डेट थी 31 दिसंबर ठीक है. और उस वक्त हमारे पेपर्स थे
27 दिसंबर से हमारे पेपर्स थे. सो जो हमारे जो पेपर्स की डेट थी और शादी की डेट थी वो क्लैश करी थी. तो हमने मैंने एक एप्लीकेशन लिखी HOD को. उन्होंने कहा नहीं पेपर तो आगे नहीं होंगे, आप सेमेस्टर ड्रॉप कर दें और फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो कर लें. तो फिर भी मैंने अपना माइंड बना लिया था कि नहीं भाई शादी, चलो सुबह में जाके पेपर दे दूँगी, कुछ हो नहीं सकता. तो मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं HOD के पास गई. तो गाड़ी हमने पार्क की बैरियर की दूसरी गेट की अपोजिट साइड पे. उसमें मैंने पीछे लैपटॉप रख दिया, ठीक है, नया लैपटॉप मेरे कनाडा से पप्पू ने भेजा था, HP का याद है. फिर ये हुआ कि वो गाड़ी में जब हम वापस आए तो जो है किसी ने पीछे से वो शीशे पे तोड़ के वो गाड़ी का सब कुछ, बाबा का बैग भी चोरी हो गया था जिसमें सबके CNIC थी, हाँ वो थी. और फिर माशाल्लाह से फिर वो कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर एक बड़ा बुरा वाक्य हुआ था पेशावर अटैक का, वो जो उस पर हुआ था 16 दिसंबर को. और फिर हाँ हाँ उसके बाद हमारे पेपर्स फिर ऑटोमेटिकली जनवरी में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए थे, याद आ रहा है 60. फिर शादी के बाद 1 महीना बंद हो गए थे थ्रेड्स की वजह से. उसके बाद फिर हम शादी पे, मैं इस्लामाबाद से वापस होके आई थी, बल्कि मैं इस्लामाबाद में फंस गई थी फॉग की वजह से. उसके सुबह पेपर था मेरा और माशाल्लाह से मैंने आखिरी सेमेस्टर के सारे पेपर सुबह हेड पढ़े दिए. मेरी बचपन में मुझे इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, मैं कहती हूँ नहीं सुबह जो मैंने याद किया वो मेरे यहाँ है, बाकी रात का सब गया. और एक मुझे याद आती है बट मिस्टर बट की क्लासेस, टॉर्चर. और सोचो वो याद है, वो तुम्हें याद है जब हंसी आ रही होती तो कैसे कैसे हंसी रोकते थे. उफ और उस वक्त उसकी क्लास के टाइम में 2:30 से 5 होते थे, नींद आ रही होती थी और ब्रेक में भागते थे चाय लेने और चाय में भी लेट हो गए तो गए. 6 मिनट का ब्रेक, 8 मिनट का ब्रेक. उसकी मुझे आखिरी क्लास याद है जो उसने 6 घंटे की क्लास रखी थी. जा रहे हैं वापस घर. So guys, और हम अपनी फ्लैश लाइट जलाने में कामयाब हो गए. सो गाइज अब हम जा रहे हैं, उसका है पासवर्ड वीलॉग पे नहीं बता सकते. अब हम आ गए हैं डिफेंस के मशहूर चाय वाली जगह पे और हमारी लाइट की भी बैटरी डाउन. अंकल हमें क्यों देख रहे हैं हम थोड़ी नहीं पत्ते भी चल रहे हैं. ये हम देखें इस टाइम पे आवारा कर दी जाते हैं. मैडम मैडम ना गेट खोल के जरा बोलो रोड पे क्या बोलते हैं. मैडम ने बोला ओ इधर भाई 3 ग्रीन टी चाहिए विदाउट शुगर. नहीं वो गत्ते वाले कप में ला दो, चीनी नहीं डालना. गुड़ ले आना साथ. दो में डालना एक में नहीं डालना. तो तुम ग्रीन टी नहीं हो. मैं ग्रीन टी हूँ लेकिन मैं भी विदाउट शुगर. आवाज़ सो गाइस.